दोस्तों, अगर आप भी अपने फेसबुक पेज को डिलीट करना चाहते हो, हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो अपने मोबाइल फोन से ही, तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि आप उस पेज को कैसे डिलीट कर सकते हो ताकि आपके मोबाइल से वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाए और वो फेसबुक सर्च में भी आपका पेज कभी शो ना करे, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहले विजिट किए हो या चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आइए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन में आप फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि आपने अपने प्रोफाइल का यूज़ करके कितना पेज बनाया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इस एरो पे क्लिक करके आप देख सकते हो, ये तो आपका प्रोफाइल है और बाकी ये तीनों आपके पेज है, ठीक है। तो इसी तीन पेज में से दोस्तों आज हम आपके सामने ये वाला जो पेज है इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। इस वाले पेज को हम डिलीट करेंगे। पूरा प्रोसेस ध्यान से समझिएगा कैसे डिलीट करना होता है। जिस भी पेज को आप डिलीट करना चाहते हो दोस्तों, सबसे पहले आप उस पेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, अब आपका पेज जो है आपके मतलब फेसबुक एप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा पेज है जो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। इसको अगर आपको डिलीट करना है तो फिर आप क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सेटिंग पर, ठीक है। जैसे सेटिंग पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा होगा पेज और यहाँ लिखा होगा अकाउंट। अगर आप अपने पेज को डिलीट करना चाहते हो, हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो ताकि फेसबुक पर शो ही ना करे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ लिखा है पेज सेटिंग्स। आप अपने पेज के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप बहुत से चेंजेस है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर आप ये चेंजेस कर सकते हो। बट अगर आपको पेज ही डिलीट करना है तो ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा दोस्तों, फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन, देख सकते हो यहाँ लिखा है फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर दोस्तों एक ऑप्शन है यहाँ पर एसेस एंड कंट्रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ लिखा हुआ डिलीट योर पेज, डिलीट कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप वीडियो छोड़ के मत लेगा, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है टेम्परली डीएक्टिवेट करना चाहते हो, कुछ दिनों के लिए बस डीएक्टिवेट करना चाहते हो, या फिर परमानेंट डिलीट करना चाहते हो। दोनों काम दोस्तों आप यहीं से कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्लिक करना, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। ये दोस्तों टेम्परली डीएक्टिवेट के लिए है और ये डिलीट के लिए है, ठीक है। ये परमानेंट डिलीट कर देगा, आप देख सकते हो यहाँ लिखा है साफ साफ परमानेंट डिलीट करेगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। टेम्परली डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। तो हमें हमेशा के लिए बंद करना है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ लिखा है कंटिन्यू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर आगे का प्रोसेस ध्यान से देखिए। अब आपसे पेज पूछ रहा है, मतलब फेसबुक पूछ रहा है कि आप ये जो पेज डिलीट करना चाहते हो क्या रीज़न है। इतने रीज़न यहाँ पर दे रखा है, आप कोई भी रीज़न यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो हम यहाँ पर जो पहला रीज़न है इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता देते हैं फेसबुक पर, पता भी नहीं चलता हमें, ठीक है। तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कंटिन्यू, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके सामने आए हैं। अगर आप जो डिलीट करने वाले हो अपना अकाउंट, जो भी अपना फेसबुक पेज डिलीट करने वाले हो, डिलीट करने से पहले अगर आप उसमें जो भी पोस्ट आप उसने अपलोड किया था, उसमें जो भी फोटोज डाले थे, जो भी किए थे, अगर उसको डाउनलोड करना चाहते हो दोस्तों, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड इन्फो पे क्लिक करके उन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप पेज डिलीट कर देना हमेशा के लिए। कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, बेकार है, फालतू में ऐसे पेज बना दिए थे, ऐसे डिलीट करना चाहते हो दोस्तों, तो आप क्या करना, स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे, अब आपका जो प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल का आपने यूज़ करके अपना पेज बनाया था, वो प्रोफाइल यहाँ पर आपको सामने शो करेगा। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखना होगा। पासवर्ड दोस्तों जाहिर सी बात है, जिस प्रोफाइल का यूज़ करके आपने पेज बनाया था उसी प्रोफाइल का आपको पासवर्ड यहाँ पर लिखना है। तो आपको अपना पासवर्ड याद होगा, तो आप यहाँ पर पासवर्ड आपको इंटर कर देना होगा। चलिए हम यहाँ पर पहले पासवर्ड यहाँ पर लिख देते हैं। अब पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिखा होगा कंटिन्यू, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पे कंफर्मेशन ले रहा है, साफ साफ आपको बता रहा है कि अगर आपने एक बार फेसबुक पेज डिलीट कर दिया तो आप जितना भी अपने फेसबुक पेज से जो भी आपने उस पर अपलोड किया था, फोटोज़ वगैरह, जो भी मैसेंजर पे बात किया था, कुछ भी आप उसको दोबारा रिगेन नहीं कर पाओगे, आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमेशा के लिए डिलीट कर देना है, तो फिर यहाँ पर लिखा होगा कंटिन्यू, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझिएगा, अगर आपने पेज को डिलीट किया है तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहाँ पर।
यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जाता है कि आपका जो पेज ये तो डिलीट हो जाएगा, बट जिस प्रोफाइल से आपने बना रखा था उस प्रोफाइल को आप लॉग इन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बट अगर आपको लगता है कि यार काश मेरा जो पेज था जिसको मैंने डिलीट किया था, अगर उसको डिलीट नहीं किया रहता, काश वो पेज मेरा वापस आ जाए, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि आपका जो भी प्रोफाइल है ना, आप अपने प्रोफाइल को लॉग इन किए रहिएगा। लॉग इन करने के बाद दोस्तों अपने अकाउंट सेटिंग के अंदर जाके आप अपने पेज को वापस लेकर आ सकते हो, लेकिन सिर्फ 30 डेज ही आपको मिलेगा। 30 दिन के अंदर दोस्तों अगर आप ये काम करोगे तो आप अपने पेज को दोबारा रीगेन कर सकते हो, दोबारा अपने पेज को आप मतलब लेकर आ सकते हो, ठीक है। बट अगर 30 दिन के अंदर तक अगर आप अपने पेज को दोबारा नहीं लाओगे, सेटिंग में नहीं जाते हो, कुछ भी प्रोसेस नहीं करते हो, तो आपका पेज हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर डिलीट पेज पर कर देते हैं क्योंकि हमें ये अकाउंट चाहिए ही नहीं। तो सिंपली आपको डिलीट पेज पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप डिलीट पेज पे क्लिक करोगे, आपका पेज डिलीट हो गया और आप स्विच्ड हो गए, आप अपने प्रोफाइल पे आ चुके हो, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि हमारे पास कितने पेज हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो सिर्फ 2 पेज ही दिख रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हो आपके पास कितने पेज है, यहाँ पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे आप देख सकते हो सिर्फ 2 पेज दिख रहे हैं और वो पेज हमारा हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पेज को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करके जाना, ठीक है। चैनल में पहली बार विजिट किया हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और फेसबुक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो यार, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। मिलता है आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।